स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। सफलता सुविधा की मोहताज नहीं होती। अगर ऐसा होता तो बूंदी जिले की प्रतिभा नागर यूं ही दसवीं में अपने अंकों के जरिए कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाती। लेकिन प्रतिभा नागर ने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बल पर सफलता की नई कहानी लिखकर सभी को चौंका दिया। बूंदी जिले के दोलड़ा गाँव की प्रतिभा नागर की कहानी अब लोगों की जुबा पर है और प्रतिभा पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब प्रेरणा बन चुकी है। की बेटी प्रतिभा नागर ने CBSE 10वीं बोर्ड में 97.80 अंक प्राप्त कर माता पिता, गांव और समाज का नाम रोशन किया। प्रतिभा ने ग्रामीण परिवेश में रहते हुए अपनी प्रतिभा को दिखाया और जैसा नाम वैसा ही काम किया। छात्रा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय पद्मावती कॉन्वेंट स्कूल कुंवरती के गुरुजनों और माता पिता को दिया है। प्रतिभा नीट की तैयारी के लिए कोटा एलन में पढ़ती हैं और डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। प्रतिभा के दादाजी बद्रीलाल नागर, जो धाकड़ समाज के जिलाध्यक्ष हैं, समाज और परिवार का नाम रोशन करने पर उन्हें भी बधाइयां मिल रही हैं। किस तरह से लिखी प्रतिभा ने अपनी सफलता की ये कहानी, आइए सुने उन्हीं की जुबानी। ये क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को, मेरे फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, जिसने भी मेरे को सपोर्ट किया, उन सबको जाता है। अब आपका प्लान जो है वो आगे का, तो उसकी पढ़ाई आपने जो पिछली की वो, और आगे की प्लानिंग के लिए जो बच्चे काम करेंगे, पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या प्लान करेंगे? उनके लिए मैसेज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करो। टीचर्स तो पढ़ा देंगे, टीचर्स तो सभी को वैसे पढ़ाते, पर सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी। आप किस तरह से खुद से उस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, और टेस्ट वगैरह भी सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से होती है।